अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आए दिन सीमा पार से पाकिस्तानी आतंकी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। इस बार पाकिस्तान ने अधिकृत कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया। दरअसल भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो 12 और 13 सितंबर की रात का है। वीडियो में बॉर्डर एक्शन टास्क बैट ने पीओके के हाजीपुर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया और घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। अमेरिका के 44 सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखकर कहा है कि भारत को फिर से GSP कार्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते आसानी से हो सके। सांसदों ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइट हाइजर को लिखे पत्र में कहा है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें अपने उद्योगों के लिए बाजारों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। कुछ छोटे मुद्दों की वजह से इस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दौर खत्म होने जा रहा है। अगर एग्जिट पोल पर विश्वास किया जाए तो देश में लंबे समय से प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू बहुमत से बहुत पीछे दिख रहे हैं, जिससे उनका पांचवी बार सत्ता में वापस आ पाना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। वहीं अगर एग्जिट पोल ठीक साबित होते हैं, फिर भी कोई एक व्यक्ति स्पष्ट विजेता नहीं दिख रहा है। बता दें कि इस चुनाव में दक्षिणपंथी लुकुड पार्टी के नेता और इजराइल के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री नेतन्याहू का मुकाबला पूर्व सैन्य प्रमुख बेंजामिन बेनी गांस के साथ हो रहा है, जो मध्य वर्गी ब्लू एंड व्हाइट पार्टी से है। पिछले कई वर्षों से नेतन्याहू के सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी हैं। गांस ने अपना वोट डालने के दौरान भी देश से भ्रष्टाचार और चरमपंथ को खारिज करने की अपील की थी। गांस ने कहा कि हम नई उम्मीद चाहते हैं, हम आज बदलाव के लिए वोट डाल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में चीन ने हाल ही में कश्मीर मुद्दा उठाया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत का ये मुख्य विषय नहीं होगा। ये बात एक वरिष्ठ चीनी अधिकारी ने कही। आने वाले हफ्तों में जिनपिंग भारत के दौरे पर आने वाले हैं। दोनों वैश्विक नेताओं के मुलाकात की तारीखों की अभी पुष्टि नहीं हुई है, मगर माना जा रहा है कि दोनों अक्टूबर में अनौपचारिक बैठक करेंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि यदि हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर उस समय देश के प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान अस्तित्व में ही नहीं आता। उन्होंने वीर सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग की। ठाकरे ने एक आत्मकथा सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट के विमोचन के मौके पर कहा कि सावरकर को भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। हम गांधी और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए काम से इनकार नहीं करते, लेकिन देश ने दो से अधिक परिवारों को राजनीतिक परिदृश्य पर अवतरित होते हुए देखा। भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत केदारनाथ पहुंचे और यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद वो बद्रीनाथ धाम जाएंगे। सेना प्रमुख के दौरे के मद्देनजर प्रशासन, मंदिर समिति व तीर्थ पुरोहितों द्वारा उनके धाम आगमन को लेकर जरूरी तैयारियां की गई हैं। बताया गया कि जनरल बिपिन रावत देहरादून आर्मी कैंट हेलीपैड से सेना के हेलीकॉप्टर में आज सुबह केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट कहना कि देश में आर्थिक मंदी नहीं है, आर्थिक सुस्ती है, ये वैश्विक है। इस सुस्ती का यूपी पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिफेंस कॉरिडोर में अगले 6 माह में प्रदेश में 25,000 करोड़ का निवेश होगा और 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अपनी सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर उन्होंने एक विशेष बातचीत में कहा कि मौजूदा रफ्तार से और तेजी से चले तो वर्ष 2024 तक प्रदेश $1 trillion यानी $10 खरब की अर्थव्यवस्था बन सकता है। टीम इंडिया आज मोहाली के मैदान में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले के सीरीज का आगाज करेगी। पहला मुकाबला धर्मशाला में बारिश की भेंट चढ़ गया था। आज मोहाली के मैदान में टीम इंडिया मेहमानों के खिलाफ जीत दर्ज कर अपने पिछले रिकॉर्ड को सुधारना चाहेगी। दक्षिण अफ्रीकी टीम को भारतीय टीम अपनी जमीन पर T20 के एक भी मुकाबले में मात नहीं दे पाई है। शाम 7 बजे मैच खेला जाएगा। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन
यानी बुधवार शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 195.08 अंकों की बढ़त के बाद 36,676.17 के स्तर पर खुला। निफ्टी की बात करें तो 58.80 अंकों की बढ़त के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 10,876.40 के स्तर पर था। पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे। मंगलवार को मेडिकल की एक छात्रा नम्रता चंदानी की हत्या कर दी गई थी। माना जा रहा है कि यह हत्या जबरन धर्मांतरण को लेकर की गई। सिंधी हिंदू लड़की की इस कथित हत्या के विरोध में लोगों ने कराची की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। मृतका का नाम नम्रता चंदानी था। उसका शव सिंध प्रांत के लरकाना में रस्सी से लटका हुआ मिला था। केंद्रीय संस्कृत और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले तोहफों की ई नीलामी और प्रदर्शनी का शुभारंभ राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में किया। ये नीलामी 3 अक्टूबर तक चलेगी। इसी बीच ई नीलामी प्रक्रिया में चांदी का एक कलश और मोदी की तस्वीर वाला एक फोटो स्टैंड 1 करोड़ रुपए में बिका। ये जानकारी प्रधानमंत्री को प्राप्त स्मृति चिन्हों की नीलामी के लिए बनाई गई वेबसाइट ने दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अर्थव्यवस्था में सुस्ती को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर बुधवार को निशाना साधा और दावा किया कि इस सरकार में निवेशकों का भरोसा डगमगा चुका है। उन्होंने एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया कि चकाचौंध दिखाकर रोज 5 ट्रिलियन बोलते रहने या मीडिया की हेडलाइन मैनेज करने से आर्थिक सुधार नहीं होता। विदेशों में प्रायोजित इवेंट करने से निवेशक नहीं आते। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले की उच्चतम न्यायालय में नियमित सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने जिरह पूरी करने के लिए 18 अक्टूबर की समय सीमा बताई, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि बहस पूरी होने के बाद हम फैसला लिखने के लिए 4 हफ्तों का समय लगेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मामले में सुनवाई समाप्त करने के लिए अस्थायी तारीखों के अनुमान के अनुसार हम कह सकते हैं कि 18 अक्टूबर तक सारी बहस पूरी होने की संभावना है। झारखंड में जमताड़ा से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने भाजपा का चुनाव बिगुल फूंका। जोहार झारखंड कहकर लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि झारखंड एक राज्य बने इसकी मांग काफी समय से थी, लेकिन ये सपना अटल जी की सरकार ने पूरा किया। अटल जी ने झारखंड बनाया और मोदी जी ने इसे संवारा। तमाम गैर सरकारी संगठन एनजीओ या संगठनों को सूचना के अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी देनी होगी जो सरकार से बड़ी रकम फंड के तौर पर पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि ऐसे एनजीओ आरटीआई कानून के दायरे में आते हैं। नागरिकों को ये जानने का हक है कि उनके पैसों का बेजा इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और अहमद पटेल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम से तिहाड़ जेल में मुलाकात की। इस बात की जानकारी सूत्रों ने दी। जानकारी के मुताबिक इस दौरान दोनों नेताओं के साथ चिदम्बरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम भी थे। सूत्रों के अनुसार इन लोगों के बीच करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई है। देश के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 के लैंडर के साथ संपर्क टूटने के बाद मिले समर्थन पर इसरो ने सभी देशवासियों का शुक्रिया अदा किया है। 7 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के कुछ मिनट पहले इसरो का लैंडर से संपर्क टूट गया था। इसरो ने ट्वीट किया, हमारे साथ खड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। हम दुनिया भर में सभी भारतीयों की आशाओं और सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे। इसरो ने कहा, हमें प्रेरित करने के लिए शुक्रिया। कोचिन शिपयार्ड पोत कारखाना से देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत का एक डिजिटल डिवाइस गायब हो गया है, जिसके बाद राष्ट्रीय एजेंसियों ने सुरक्षा में हुई इतनी बड़ी चूक की गहनता से जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि यह घटना कोचिन शिपयार्ड के उच्च स्तरीय क्षेत्र में हुआ जहां वेसल का निर्माण हो रहा है। विक्रांत को 2021 में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाना है। केरल पुलिस के मुखिया लोकनाथ वहेड़ा ने कहा
ये एक विशेष जांच टीम का निर्माण किया गया है जो मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच कर रही है। कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के पाकिस्तान के सपने को एक बार फिर झटका लगा है। यूरोपीय यूनियन की संसद ने इस मुद्दे पर भारत का साथ दिया। जानकारी के अनुसार संसद के ज्यादातर सदस्य भारत के साथ खड़े दिखाई दिए और पाकिस्तान को संदिग्ध देश करार दिया। ये बयान ऐसे समय में आया है जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान मुंह की खा चुका है और इसके बावजूद कश्मीर मसले को किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने हाथ से मैला साफ करने से होने वाली मौतों को लेकर चिंता जताई है। न्यायालय ने सवाल किया कि मैला साफ करने वालों को मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया क्यों नहीं कराए जाते हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने इस पर तलख टिप्पणियां करते हुए कहा कि सफाई के दौरान मौतें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा के पर्याप्त उपकरण मुहैया नहीं कराने को लेकर केंद्र को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि किसी भी देश में लोगों को मरने के लिए गैस चैम्बरों में नहीं भेजा जाता है। अदालत ने आगे कहा कि हाथ से मैला साफ करने के कारण हर महीने 4-5 लोग जान गंवा रहे हैं। देश को आजाद हुए 70 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन जाति के आधार पर भेदभाव अभी भी जारी है। भारत के स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कमाल करते हुए ओलंपिक कोटा जीत लिया है। मंगलवार को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की शुरुआत तो जबरदस्त की थी, लेकिन जापान की मौजूदा चैंपियन मायू मुकैदा से हारकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में खिताब की दौड़ से बाहर हो गई। लेकिन उन्हें भाग्य का साथ मिला और रिपेचेज राउंड के तहत मेडल जीतने का मौका मिला और अब वो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय पहलवान बन गई है। अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रकाश जावड़ेकर ने बड़े ऐलान किए। दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में निर्मला सीतारमण और जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां रेल कर्मचारियों को बोनस का तोहफा दिया गया और ई सिगरेट पर बैन लगाने का ऐलान किया गया। सरकार ने बुधवार को रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। इसका लाभ 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा।